नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 के अंदर और हमसे बातचीत करने के लिए जिला परिषद के प्रत्याशी भी हैं और बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं। और इससे पहले आपने देखा कि जो युवा है वो पूरी तरीके से क्षेत्र में जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस मर्तबा किस तरीके से उन लोगों को मतदान देना है और क्या रहेगा उनके लिए 2021 में जिला परिषद के लिए अहम मुद्दे। तो बहुत सारे आम शख्सियात हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, चूँकि 2021 ये काफ़ी जागरूक वाला चुनाव है और इस चुनाव में लोग चाहते हैं कि परिवर्तन करें और जिन लोगों ने काम किया है उनको बरकरार भी उस सीट पर रखा है। जी सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम भोगेंद्र गिरी, पूर्व अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। तो सर, क्या लगता है कि अभी से 15 साल पहले जो पंचायत चुनाव होते थे, अभी और 15 साल पहले में क्या फर्क है आपके हिसाब से? अभी यह फर्क है कि पूर्व पहले सब जाति मिल करके अपनी जातीय वर्चस्वता में चुनाव लड़ते थे। इस बार का माहौल जो है जाति का चुनाव नहीं है, सर्व जन हिताय सर्व सुखाय के लिए जो है से काम हो रहा है, जिसपे हम जहाँ बैठे हुए हैं हमारे प्रत्याशी होना चाहिए, जिनकी बुनियाद पर वोट दिया जाना चाहिए। इस बार जैसे परिवर्तन का प्यार बह रहा है। अच्छा। और इस बार युवा तुर्क संदीप ठाकुर को जिताने के लिए हर लोग कमर कस लिया है और इस बार संदीप ठाकुर ही 33 जिला परिषद का विजय उम्मीदवार होगा। चलिए, तो सर आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? लियाकत जी। लियाकत जी, क्या लग रहा है कि इस मर्तबा जो है पंचायत चुनाव में मुद्दा सबसे अहम क्या होना चाहिए? क्यों जो है वोट लोग जो है आकर के किसी प्रत्याशी को करे? पिछले 5 सालों में जो जिला परिषद थे इस क्षेत्र के, उनके द्वारा कैसा काम हुआ है? काम उनका वो है बढ़िया होगा या बढ़िया विजय पाएंगे कौन? संदीप ठाकुर। अच्छा, संदीप ठाकुर जो है ये बेहतर कर सकते हैं, इसलिए इसको कर सकते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं और इन लोगों की राय गांव समाज के अंदर लोग मानते हैं और समझते हैं। अब सीधा जो है हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 के प्रत्याशी से जानते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या कुछ वजह है कि इन्होंने मैदान में आना पसंद किया। लेकिन 24 के बाद ये सारी बात बेमानी साबित होती है। जो लोगों के दिल में ठीस मार रहा है, नेताओं के प्रति लोगों का आस्था गिर गया है, इस नाते लोग चाहते हैं कि युवाओं को मौका दिया जाए। क्षेत्र संख्या 33 के अंदर 6 पंचायत आते हैं और 6 पंचायत में हमारी टीम ने जो सर्वे किया और देखा समझा, सब जगह संदीप ठाकुर का चर्चा है, उसकी वजह क्या है? एक ही वजह है कि लोग जीत कर भी जनता के बीच नहीं जाते हैं, मैं हार कर भी पूरे 5 साल लोगों के बीच आता जाता रहा, बिना भेदभाव, बिना छुआछूत, बिना जात पात देखे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा हमारे गार्जियन दिए हैं उसके मुताबिक हम लोग काम करते रहे, इस वजह से चर्चा है। सर, ग्रामीण का ये सवाल है कि सब जैसे प्रत्याशी जो हैं अभी सब दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है तो वो हारने वाले तो नज़र ही नहीं आते, जीतने वाले भी नज़र नहीं आते, लोगों के बीच नहीं है, तो लोगों के लिए काम क्या करेंगे? आपसे जो उम्मीद और आशाएं जो क्षेत्र संख्या 33 की जनता करती है, क्या लगता है उनका आशा उनकी उम्मीदें बरकरार रहेगी या फिर आप भी वैसे ही करेंगे जो पूर्व में हुआ है? प्राथमिकता होगी कि पुपरी प्रखंड के अंतर्गत नाला सहित रोड बनेगा, नाला रहे तो भी रोड नहीं बनेगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है संदीप ठाकुर जी ने कि क्षेत्र संख्या 33 के अंदर अगर ये कामयाब होते हैं तो एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने के लिए जो रास्ता होता है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में नाला की कमी के कारण जो गंदगी और पानी भरा रहता है, इस पर पूरा ख्याल ये रखेंगे और सबसे पहले प्राथमिकता उसी को देंगे। स्वच्छ रहेगा ये क्षेत्र तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे,
बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। फिर मिलेंगे किसी नए और ताजा समाचार के साथ किसी और पंचायत के अंदर। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं मेंबर काती, क्षेत्र संख्या 33। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DBS TV।